दोस्तों ये मैच था इंडिया वर्सेज श्रीलंका के बीच तीसरा ओडीआई मैच, जहां पे श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 298 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर, और इंडिया को जीत के लिए 299 रनों की ज़रूरत थी, जिसके बाद इंडिया के ओपनर वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आए, लेकिन सचिन तेंदुलकर सिर्फ 2 रन बनाकर ही आउट हो गए। उसके बाद यहां पे तीसरे नंबर पे बैटिंग करने आए इंडिया के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, और दूसरे छोर पे विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग थे। दोनों मिलकर इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा ही रहे थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी आज बहुत ही बढ़िया फॉर्म में लग रहे थे। देखते ही देखते महेंद्र सिंह धोनी ने सिर्फ 45 गेंदों में ही 183 रन बना दिए, और वो भी नॉट आउट रहे। बात करें इनके बैटिंग में खास बातों का, तो इन्होंने 10 लंबे लंबे छक्के और 15 चौके भी लगाए, और यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के 183 रनों के नवाद पारी की वजह से ही इंडिया इस मैच को 6 विकेट और 23 बॉल रहते ही जीत गई। इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे ज़्यादा 183 रन बनाए। उसके बाद यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग ने भी 37 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली थी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप क्या सोचते हैं।